नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते महीने की 3 तारीख से ही जातीय हिंसा और आगजनी की चपेट में है। बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। स्थानीय बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी नगा समुदाय के बीच इसके वजह से अब तक 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर होकर पड़ोसी राज्यों और दिल्ली में राहत शिविरों में रह रहे हैं और कई परिवार बिखर गए हैं। जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे के बावजूद हालात एकदम नहीं बदले हैं और जिसको जहां मौका मिल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर वहीं हमले कर रहा है। शाह के दौरे के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन बीता है जबकि 2-4 लोगों की मौत और इंटरनेट भी बंद है। फिलहाल 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। जरूरी वस्तुओं की किल्लत हो गई है, इससे आम लोग पीस रहे हैं चक्की के 2 पाटों के बीच। तो इसके बाद अब महिलाओं ने जुलूस निकाला। मैतेई महिलाओं ने कुकी उग्रवादियों की ओर से होने वाले हमलों के विरोध में जुलूस निकाला और कई तरह की मांगे रखी। मशाल जुलूस निकाला जिसके वीडियो की एक झलकी आपने देखी। आगे वो वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा, तो आप देखिए पूरा वीडियो। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिचितों से शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अब चलता हूं, आपको दिखाऊंगा इम्फॉल में बीती रात यानी 6 जून मंगलवार की रात को महिलाओं के संगठन की ओर से जो मशाल जुलूस निकाला गया, कुकी उग्रवादियों के कथित अत्याचारों हत्याओं के विरोध में जो मैतेई समुदाय पर कर रहे हैं, जैसा कि इन संगठनों ने आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि राज्य को अलग नहीं होने देंगे। आप जानते हैं पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोग अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब मैतेई समुदाय के साथ रहना संभव नहीं है। तो चलिए पहले वो वीडियोस देखिए, फिर बाकी बातों की चर्चा करते हैं। Thank you.
लाओ लाओ लाओ। वीडियोस देखे आपने और मैं बता दूं ये एक्सक्लूसिव वीडियोस और तस्वीरें हैं जो मेरे पास ही हैं। इंटरनेट पर पाबंदी होने के बावजूद मेरे मित्रों के ज़रिए ये मुझ तक पहुँचे हैं जो मणिपुर के विभिन्न इलाकों में रहते हैं। आप जानते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था, राज्य में 4 दिन तक रहे थे। 29 मई से वो पहुँचे थे और 1 जून को वापस लौटे थे। उन्होंने विभिन्न इलाकों का दौरा किया था, राहत शिविरों में गए थे और विभिन्न तबके के लोगों के साथ बैठकें की थी और अपील की थी शांति बहाली की, लेकिन उनकी यह अपील अब तक बेअसर ही नज़र आ रही है। अमित शाह की वापसी के बाद से ही एक बार फिर नए सिरे से हिंसा और आगजनी शुरू हो गई है। इसमें सुरक्षा बल के जवान भी मारे गए हैं और ताज़ा हिंसा में कथित मैतेई समुदाय के लोगों के हमले में एक बच्चा और एक माँ समेत 3 लोग जलकर मारे गए हैं। वो एम्बुलेंस से जा रहे थे इलाज के लिए, उसमें आग लगा दी गई और यह राजधानी इम्फाल के बाहरी इलाके की घटना है। इसके बाद केंद्र ने और भी ज़्यादा जवान भेजे हैं अर्धसैनिक बलों के, असम राइफल्स के, लेकिन इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, केंद्रीय गृह मंत्री की अपील भी अब तक बेअसर साबित हो गई है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, मौतों को अगर छोड़ भी दें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, तो बेघर होने वाले लोग अलग अलग राज्यों में मिजोरम से असम तक, नागालैंड तक और दिल्ली तक रह रहे हैं। और मैतेई और कुकी नगा जो समुदाय है उनमें संदेह और अविश्वास की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। एक विभाजन तो आप जानते हैं पहले से ही था मणिपुर के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में, लेकिन यह इतना हिंसक रूप ले लेगा इसकी सरकार या स्थानीय लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी।
सबसे बुरे फंसे हैं बेकसूर लोग, खासकर बाहरी राज्यों के लोग जो चक्की के दो पार्टों में पीसने को मजबूर हैं। मणिपुर को दो नेशनल हाईवे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं, दोनों पर कुकी उग्रवादियों ने जाम लगाया हुआ है, नाकेबंदी की हुई है नगा और कुकी लोगों ने, तो ज़रूरी चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं सड़क के रास्ते, इससे भारी किल्लत हो गई है राजधानी इम्फॉल समेत बाकी इलाकों में, और चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब दो चार लोगों की हत्या नहीं हुई हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, ताज़ा मामले में एम्बुलेंस में आग लगाने के कारण माँ बेटे समेत तीन लोगों की जलकर मौत हो गई। इससे एक दिन पहले सुरक्षा बल के जवानों समेत पांच लोगों की मौत हुई थी। और अमित शाह का दौरा खत्म होने के बाद लगातार हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, कई घरों में आग लगा दी गई, विधायकों के घर पर हमले किए गए, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। कुल मिलाकर मणिपुर केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक ऐसी जटिल पहेली बन गया है जिससे बाहर निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही है। क्या होगा, यह समस्या कैसे सुलझेगी, आखिर कब सुलझेगी, इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे और कोई बड़ा अपडेट होता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। देखते रहिए चैनल। एक बार फिर आपसे अपील, जचे तो एक्सक्लूसिव खबरों और वीडियो के लिए खासकर पूर्वोत्तर के चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।